मुनि रूरू के पत्नी धर्म की कथा का आरंभ तब होता है जब एक शिव भक्त देवी प्रमा द्वारा अपनी प्रतिदिन की पूजा के पश्चात निकट ही तपस्या में रत मुनि रूरू के दर्शन किया करती थी। एक युवा ऋषि को इतनी तन्मयता से तपस्या करते देख वो बहुत प्रभावित थी। और ऐसा कई माह तक चलता रहा। फिर एक दिन वहां प्रचंड बवंडर का प्रकोप हुआ, जिसके कारण कोई भी अपने गृह से भी बाहर नहीं निकल रहा था। किंतु उस विकट बवंडर में भी रुरु मुनि अपनी तपस्या से नहीं उठे। उनसे प्रभावित होकर तीव्र वायु प्रवाह का सामना करते हुए देवी प्रमा द्वारा भी अपनी दैनिक पूजा के लिए वहां पहुंच गई। मुनिवर की सहायता करना चाहती थी, किंतु उनके मन में एक दुविधा थी कि कहीं ऐसा करने पर रुरु मुनि की तपस्या भंग ना हो जाए, और इसी भय से उन्होंने मुनिवर का स्पर्श नहीं किया और वो डाल उनके कंधे में धसी रह गई। ऋषि रुरु की परिस्थिति घाव के कारण बिगड़ रही थी। तब देवी प्रमा द्वारा से देखा नहीं गया और उन्होंने उनकी तप ऊर्जा का सामना करते हुए उनके घाव पर औषधि लेप लगाया। और निरंतर ऐसा ही करती रही। देवी, कौन है आप? प्रणाम मुनिवर, मैं विश्व वसु और देवी मेनका की पुत्री हूँ, प्रमा द्वारा। शिव स्तुति का मधुर स्वर जो प्रतिदिन मुझे भक्ति भाव से भर देता है, वो स्वर आपका ही है ना देवी? भक्ति और सेवा का अनुपम भाव आपके अंदर समाया हुआ है। अद्भुत हैं आप देवी। आपने मेरे घाव पर औषधि का लेप लगाकर मेरी पीड़ा दूर कर दी है। देवी, आपका बड़ा उपकार है मुझ पर। नहीं ऋषिवर, उपकार तो आपने किया है इस पूरे संसार पर। आपके घोर तप से इस संसार को जो लाभ मिलेगा वो मेरी सेवा की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा तो मेरा कर्तव्य है। कितनी दिव्य हैं आप देवी। आपकी वाणी और आपके विचारों ने तो मेरे अंतर मन को छू लिया है। आप बाहर से जितनी सुंदर हैं, भीतर से उससे अधिक सुंदर हैं। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। एक प्रकार से आपने मेरे तप में मेरी सहायता की, अपने बारे में सोचे बिना आपने मेरी सेवा की, और इस प्रकार आप मेरे जीवन का अभिन्न भाग बन गई। इसीलिए हे देवी, यदि आपको स्वीकार है तो आपको अर्धांगिनी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा। देवी, यदि मेरे वचनों ने आपको किसी भी प्रकार से आहत किया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नहीं ऋषिवर, आपके समान महान तेजस्वी ऋषि की अर्धांगिनी होना तो मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। यदि एक दिन के लिए भी मैं आपकी अर्धांगिनी का धर्म निभा सकी तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा।
नहीं देवी, आपको पत्नी रूप में पाना तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि यदि आप जैसी योग्य और दिव्य स्त्री मेरे साथ हो तो मेरे योग और तप को और भी बल मिलेगा। इसीलिए शुभ कार्य में हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। मैं इसी क्षण इस वायु, पर्वत, धरती, अंबर और समस्त सृष्टि को साक्षी मानकर आपको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। आज ही सूर्यास्त से पहले हमें गंधर्व विवाह कर लेना चाहिए। किंतु तभी एक ऐसी अनहोनी घटना घटने जा रही थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, ना ही देवी प्रमा द्वारा और ना ही मुनि रुरु। समय आ गया था जब मुनि रुरु संसार के सामने देवी सावित्री के समान प्रेम का, देवी अरुंधति के समान निष्ठा का और देवी सुमति के समान दृढ़ निश्चय का महान उदाहरण प्रस्तुत करने वाले थे। यही अभिलाषा है कि आपका यह दमकता मुखमंडल मेरे जीवन में सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा की शीतलता लेकर आए। अब यह हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध बन जाएगा। नहीं, ये संभव नहीं है। देवी, देवी, ये क्या हो गया देवी आपको? देवी नहीं, देवी नहीं। प्रिय, प्रिय, प्रिय क्या हो गया प्रिय? ये क्या हो गया आपको? प्रिय, 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 हम अभी आते हैं। कोई है? कोई तो सहायता करो। स्वामी। स्वामी, स्वामी, प्रिय, 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 प्रिय ब्रह्मा द्वारा हमारे सुख पर ये दुर्भाग्य की कैसी काली छाया पड़ गई है? ये क्या हो गया आपको देवी? हमारा साथ इतने अल्प समय का नहीं हो सकता। ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। जहाँ आप जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा। नहीं मुनिवर, ये अनुचित है। होता वही है जो जो प्रभु की इच्छा होती है। जीवन तो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। आप इसे कैसे टुकरा सकते हैं? आप जैसा तपस्वी कैसे निराश हो सकता है और कैसे आत्मघात करने का सोच सकता है? नहीं मुनिवर, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे जीवन की आशा निराशा बन जाए, जीवन मृत्यु बन जाए, अब मेरे इस जीवन का भी कोई लाभ नहीं। अब तो मुझे भी मृत्यु आ जाए। यदि एक दिन के लिए भी मैं आपकी अर्धांगिनी का धर्म निभा सकी तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आप जैसा तपस्वी कैसे निराश हो सकता है? तुमने उचित कहा देवी।
मैं इतना निराश कैसे हो सकता हूँ? यदि एक तपस्वी का तप व्यर्थ जाए तो यह उसके तप का अपमान है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अपने तपोशक्ति से तुम्हारा भाग्य बदलूंगा। इस अकाल मृत्यु को तुम्हारे भाग्य से मिटा दूंगा। ये मेरा प्रण है। जाओ। कैसे संभव है? हाँ प्रमाद्वारा, ना मैं अपने प्राण त्यागूंगा और ना ही तुम्हारे प्राण कहीं जाने दूंगा। यदि निष्ठा से तप कर मैंने अपना तपोबल एकत्रित किया है तो आज मैं त्रिदेवों से गुहार लगाता हूँ कि वो यमराज को मेरी प्रमाद्वारा को मुझसे दूर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। फिर से प्रयास करता हूं। आज चाहे यमदूत आए या स्वयं यमराज आए, किंतु मैं उन्हें अपनी प्रमा द्वारा के प्राण ले जाने नहीं दूंगा। मेरे यमदूत स्तंभित होते जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? यमराज ने अनेकों यमदूत भेजे, किंतु मुनिवर रुरु, उन्होंने देवी प्रमाद्वारा के प्राण नहीं जाने दिए। वो तो देवी के पार्थिव शरीर के निकट ही बैठे रहे। उनके तप की शक्ति बढ़ती रही और यमदूत स्तंभित होते रहे। और फिर वो तप शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो स्वयं मुनि रुरु को ही जलाने लगी और उसके साथ संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन छा गया। और फिर ये संकट और बढ़ता गया। ऋषि मुनि ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सभी असफल रहे, क्योंकि अन्य किसी को तो क्या, मुनि रुरु ने तो अपने पर पितामह महान ऋषि भृगु की भी एक न सुनी। इतना अनर्थकारी हट मत करो पुत्र, तो महान तपस्वी है, तुम्हारे तप से जगत का कल्याण होना चाहिए पुत्र। तो अपने तपो बल से सृष्टि को हानि मत पहुंचाओ पुत्र। अपने पर पितामह का कहा मानो, त्याग दो यह हट। पर पितामह, मैं आपका सम्मान करता हूँ, किंतु आपके ये शब्द तो मुझे आहत करने वाले हैं। कदाचित आप भी समझने में असमर्थ हैं। आप जिसे मेरा हट कह रहे हैं वो तो मेरा प्रेम है, और प्रेम कभी अनुचित नहीं होता। प्रेम? तुम इसे प्रेम कह रहे हो पुत्र? प्रेम मर्यादाओं को भुलाने के मार्ग पर नहीं चलता, नियति के नियमों को भंग करने के लिए नहीं कहता। मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा मैंने आप ही से सीखी है पर पितामह। जिस प्रकार अखंड निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति से मैंने अपना तप किया, अब उसी प्रकार अपने प्रेम को अपना सर्वस्व समर्पित कर रहा। और आज मेरे इस प्रेम के सामने यदि स्वयं यमराज भी आ गए तो वो भी मुझे यहां से हटाने में असमर्थ होंगे।
आज मेरे तपोबल से रचित इस सुरक्षा चक्र के भीतर कैसे आ गए? तपोबल मेरे लिए भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। कदाचित मुझे ही उनको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। मुनिवर, आप तो ज्ञानी हैं, सृष्टि के क्रियाकलापों से भली भांति परिचित हैं, और ये तो विधि का विधान ही है कि जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। देह नश्वर है, नष्ट होना ही उसकी नियति है। मात्र आत्मा अजर अमर है, वो तो सदा रहती है। फिर आपका इस प्रकार इस मृत्यु पर शोक करना आपको शोभा नहीं देता। नहीं अमदेव, विधि का विधान भी किसी कारण से ही है, न्याय की भावना से बंधा हुआ है, और यहाँ तो घोर अन्याय हो रहा है। जिस देवी ने इतने निस्वार्थ भाव से इस तपस्वी की सेवा की, स्वयं कष्ट सहे और मेरी सहायता की, मुझे पति रूप में स्वीकार कर अत्यंत कठिन जीवन का चुनाव किया, अपने छोटे से जीवन में अनेक त्याग किए, उनका ये फल, इतना अल्प जीवन मुझे स्वीकार नहीं। कर्मों का फेर अनेक जीवन से चला आ रहा है, और प्रभु ने सभी के जीवन की समय सीमा नियत की हुई है, रची हुई है। मैं भी उसी से बंधा हुआ हूँ, और सभी जीव भी। किसी को भी अपनी निर्धारित आयु से अधिक जीवन नहीं प्राप्त होता। मुनिवर, तो इन्हें मेरी आयु दे दीजिए, भले ही आप उसके लिए मेरे प्राण ले लीजिए। कितना अनोखा प्रेम था ऋषिवर का माँ, जो अपनी आयु अपनी अर्धांगनी को देने को तत्पर हो गए। पुत्र, प्रेम ही तो वो सेतु है जो जीव को जीव से ही नहीं, भक्त को भगवान से भी जोड़ता है। जो अपने मन में निस्वार्थ प्रेम की लौ जला ले, ईश्वर तो स्वयं उसके हो जाते हैं। तो क्या आप वास्तव में अपनी आयु उन्हें देना चाहते हैं? हाँ, यह मेरी अर्धांगिनी है, जिस पर भी मेरा अधिकार है उसका आधा भाग इनका ही है। मेरा आधा तप, मेरी आधी आयु इनकी है। इनके पास आयु नहीं तो क्या हुआ? आप इन्हें मेरी आधी आयु तो दे सकते हैं। कोई भी किसी से भी कितना भी प्रेम क्यों न करे, अपना जीवन उसे कदापि नहीं देता। जीवन का मोह ही ऐसा है, और आपने अपनी आधी आयु देने की बात कर विवाह संबंध को एक नया उदाहरण दे दिया है, क्योंकि विवाह तो वो संबंध है जिसमें सदैव कुछ खोकर ही कुछ पाया जाता है। एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, तभी विवाह सफल होता है। मैं आपके इस भाव से, आपके इस पावन संबंध से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ, और देवी प्रमा द्वारा को आपकी आधी आयु देता हूँ। ओम नमस्ते देवेशाय, सुरासुर नमस्कृताय, भूत भव्य महादेवाय, हरित पिंगल लोचनाय, बलाय बुद्धि रूपिणे वैयाघ्रव संचदाय, तथास्तु तथास्तु। प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय, युगांतकरणायानलाय, गणेशाय लोकपालाय, महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने, महादंशने कालाय, महेश्वराय पुष्पदंताया विभागाय, मुखाय सर्वहराय, हिरण्यश्रवसे द्वारिणे, भीमाय भीम पराक्रमाय, ओम नमो नमः। प्रिय,
और ये था मुनि रुरु का पत्नी प्रेम, जिसके लिए उन्होंने अपनी आधी आयु और अपनी तपो शक्ति का त्याग कर दिया और ये प्रमाणित कर दिया कि जो कुछ भी पति का है उसमें अर्ध भाग का अधिकार पत्नी का भी है, फिर वो कोई कर्तव्य हो या कोई कर्तव्य का फल। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम प्रभु। प्रिय, वैसे आपको भी तो अपने कर्तव्य का फल मिला है, गणेश को पुत्र रूप में पाकर, और गणेश ने भी अपना कर्तव्य भली भांति निभाया है आपकी यात्रा पूर्ण कराकर। यात्रा के बाद विश्राम आवश्यक है, क्यों? माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके पांव दबा दूंगा। कैलाश में भी माँ के पांव मैं ही दबाता हूँ, उससे एक ही पल में माँ की सारी थकान मिट जाती है, आपकी भी थकान दूर हो जाएगी। माँ, तुम्हें पुत्र रूप में पाकर तो मैं धन्य हो गई पुत्र गणेश। यात्रा तो तुमने भी की है, थकान तो तुम्हें भी हुई होगी। मेरी थकान का तो एक ही उपचार है, माता पार्वती के हाथों से बने मोदक। वो मुख में गए नहीं कि थकान अदृश्य। मेरा कहने का अर्थ ये है माँ कि इसमें कोई संकोच नहीं पुत्र, एक माता अपने पुत्र को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मुझे पता है तुम्हें देवी पार्वती की स्मृति सता रही है और उन्हें भी तुम्हारी स्मृति सता रही होगी। किंतु पुत्र, मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ। पुत्र, तुम यहाँ मेरे पास हो फिर भी तुम्हें देवी पार्वती के पास जाने की इच्छा हो रही है। दोनों माताओं में कैसे भेद कर सकता हूँ मैं, अब क्या उत्तर दूँ? हाँ कहूँगा तो माता लक्ष्मी को बुरा लगेगा और ना कहूँगा तो वो सत्य नहीं होगा और माता पार्वती बुरा मान जाएंगी। देवी, देखिए कैसे धर्म संकट में पड़ गया है आपका पुत्र। सत्य तो ये है कि आपके वात्सल्य को पाकर वो आनंदित तो है, किंतु माता पार्वती की स्मृति भी इसे सता रही होगी। स्वामी, मैं तो उसके साथ परिहास कर रही थी। हाँ पुत्र, इससे पहले कि देवी पार्वती की व्याकुलता का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर हो, तुम्हें उनके निकट लौट जाना चाहिए। आप सत्य कह रही हैं ना माँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पुत्र, अब तो तुम्हें दो माओं के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा, किंतु एक समय पर तुम हम दोनों में से एक के साथ ही रह सकते हो। अब हम दोनों को समय देने का कर्तव्य तुम्हें ही निभाना होगा। मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा माँ। उचित है पुत्र, फिर तो तुम्हें शीघ्र ही कैलाश पहुँचना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती को शीघ्र ही तुम्हारी आवश्यकता होगी। माता, आप रुक क्यों गई? नहीं, वो तो अभी भी नहीं लौटा।
माता, आपको देवर जी का यहाँ ना होना सता रहा है ना? माँ का मन पुत्र को देखे बिना, उसका दुलार किए बिना कहाँ मानता है? मैं समझती हूँ माँ, माता शची भी जयंत को ना देखे तो विचलित हो जाती थी, और फिर देवर जी तो यहाँ बहुत समय से नहीं है। हाँ पुत्री, तुमने मेरी भावना को सही समझा। माँ के साथ मेरी ऐसी निकटता क्यों नहीं है? वो मुझसे अपने हृदय की बात कहती तो कितना अच्छा होता। मैं भी उनसे अपने मन की बात कह पाती। माँ, मेरी माता का देहांत तो मेरे जीवन के आरंभ में ही हो गया था, इसलिए मैंने उनका प्रेम नहीं देखा, किंतु पिता का प्रेम वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। पुत्री वल्ली, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, और ये तो ममता है जो माता पिता को अपने संतान के प्रति होती है। माँ कहीं वल्ली को लेकर अधिक भावुक तो नहीं हो गई? माँ, माता पिता ही नहीं, संतान भी माता पिता के बिना व्याकुल हो जाती है। हाँ माँ, मुझे विश्वास है देवर जी भी यहाँ आने के लिए अत्यंत आतुर होंगे। आपके मन की पुकार देवर जी अवश्य सुनेंगे। हाँ माँ, और फिर उनसे भी कहाँ रुका जाएगा? मुझे भी लगता है कि वो शीघ्र ही आने वाला है। आने वाला नहीं माता, मैं तो आ चुका हूँ। माँ की गोद में आए विघ्न हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघ्न हरता, अद्भुत बालक भर माँ प्रेम लुटाती। प्रणाम माता। देखा, हमने कहा था ना माँ, देवर जी शीघ्र लौटेंगे। स्वागत है अनुज गणेश। प्रणाम ज्येष्ठ। मेरा पुत्र यात्रा कर लौटा है, अब इसकी थकान तो माँ के हाथों से बने मोदक से ही मिटेगी। पूजा के पश्चात मोदक के साथ मैं तुम्हारी यात्रा की कथा विस्तार से सुनूंगी। अवश्य माता। मोदक बनाती हूँ मेरे पुत्र के लिए। माँ, आपकी चिंता करती है। हाँ माँ, मोदक की तैयारी हम दोनों कर लेंगे। तुम दोनों को अनेकों आशीष। मेरी भी इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र गणेश के साथ बैठूं, उसकी बातें सुनूं, किंतु अब बस एक ही इच्छा है, तुम दोनों के समान मेरे पुत्र गणेश के लिए पुत्र वधु मिले, जो बिना कुछ कहे ही सब समझ जाए। तभी तो मेरा परिवार पूर्णता प्राप्त करेगा और कैलाश में आनंद ही आनंद होगा। बस मेरे इस परिवार के आनंद पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। माता और भाभी माँ दोनों प्रसन्न हैं। संकट अनिष्ट किसी का कोई संकेत नहीं है। फिर माता लक्ष्मी ने ऐसा क्यों कहा कि माता को मेरी आवश्यकता है, और ऐसा महत्वपूर्ण क्या है जो मुझे करना है? क्या हुआ प्रिय,
मेरा हृदय नहीं मान रहा था स्वामी, फिर भी उसे जाने की अनुमति दी है मैंने। गणेश के उचित समय पर उचित स्थान पर होने से उचित ही होगा प्रिया। गणेश वही है जहां उसकी आवश्यकता है। गणेश शीघ्र ही अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत की स्थापना का माध्यम बनेगा, सत्यनारायण व्रत और कथा का पाठ कैलाश में अब शीघ्र होने वाला है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।